See this question number 5. In this question number 5, we have to find out the bus impedance matrix. So the shortcut method to find out the bus impedance matrix is, see, the network is given to us. This is bus number 1, bus number 3, and this is bus number 2, and this is the reference bus 0. Except the reference bus, there are 3 buses in the power system network. So the size of the bus impedance matrix will be 3×3. There will be 3 rows and there will be 3 columns. Pahla column corresponding to first bus hai. Second column corresponding to second bus. Third column corresponding to third bus. Ye first row hai corresponding to first bus. Second row corresponding to second bus. And third row is corresponding to third bus. तो ये सभी एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33. Z23 का क्या मतलब है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट. उसी प्रकार से Z32 का क्या मतलब है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट. तो ये सभी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, सभी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, और ये नेटवर्क दिया हुआ है. मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ. ये देखिए, ये नेटवर्क है, बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3 है, ये बस नंबर 2 है, ये रेफरेंस बस है, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम. तो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि Z11, Z12, Z13 को अगर हमें फाइंड आउट करना है, यानी फर्स्ट रो के अगर एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, तो हम 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट करेंगे बस नंबर 1 में, और फाइंड आउट करेंगे बस नंबर 1 की वोल्टेज, बस नंबर 2 की वोल्टेज और बस नंबर 3 की वोल्टेज. जो बस नंबर 1 की वोल्टेज है वो Z11 के बराबर होगी, बस नंबर 2 की जो वोल्टेज है वो Z12 के बराबर होगी, और बस नंबर 3 की जो वोल्टेज है वो Z13 के बराबर होगी. अगर आपकी नेटवर्क्स एनालिसिस अच्छी है तो आप पता कर सकते हैं कि ये जो रिफरेंस बस है, ये इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है इस लाइन में, क्योंकि ये लाइन ओपन सर्किटेड है. तो यहाँ की जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ की भी होगी, बस नंबर 3 की भी होगी और बस नंबर 2 की भी होगी, यानी कि V2 और V3 हो गए 0. V1 की कितनी वोल्टेज होगी? देखिए, करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर की करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो V1 की वोल्टेज होगी 1 वोल्ट. यानी कि जो जेड बस के एलिमेंट हैं फर्स्ट रो के, वो हमें पता चल गए, वो हैं 1, 0, 0. इसी प्रकार से हम पता कर लेंगे सेकेंड रो के एलिमेंट. सेकेंड रो के एलिमेंट हैं Z21, Z22, Z23. तो सेकेंड रो के एलिमेंट को पता करने के लिए आपको आइडिया मालूम चल गया क्या करना है हमें. सेकेंड रो के एलिमेंट को पता करने के लिए सेकेंड बस पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट करना होगा. ये देखिए, ये 1 ओम की लाइन है, ये 2 ओम की लाइन है, ये 3 ओम की लाइन है, और हम फाइंड आउट करेंगे बस नंबर 1 पे वोल्टेज, बस नंबर 2 पे वोल्टेज और बस नंबर 3 पे वोल्टेज को फाइंड आउट कर लेंगे. जो बस नंबर 1 की वोल्टेज है वो Z21 को इंडिकेट करेगी, बस नंबर 2 की वोल्टेज Z22 को, और बस नंबर 3 की जो वोल्टेज है वो Z23 को इंडिकेट करती है. तो फाइंड आउट कर लीजिए V1, V2 और V3 क्या है. अगर आपकी नेटवर्क एनालिसिस बहुत अच्छी है, देखिए ये रेफरेंस बस है, ये 0 वोल्ट पे है, तो बस नंबर 1 भी 0 वोल्ट पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस लाइन में 1 ओम की लाइन में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, इसलिए ये 0 वोल्ट हो गया. बस नंबर 2 की वोल्टेज क्या होगी? देखिए, अगर आपकी नेटवर्क एनालिसिस अच्छी है तो देखिए यहाँ पे होगा 5 वोल्ट, और बस नंबर 3 की जो वोल्टेज होगी वो होगी 2. यानी कि रो नंबर 2 के एलिमेंट्स हमें पता चल गए, ये हो गए 0, ये है 5 और ये है 2. अब आइए देखते हैं कि रो नंबर 3 के एलिमेंट
रो नंबर थ्री के एलिमेंट क्या होंगे। रो नंबर थ्री के एलिमेंट को पता करने के लिए हमें बस नंबर थ्री पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट करना होगा। यह है 1 ओम, यह है 2 ओम, यह है 3 ओम। नेटवर्क एनालिसिस यूज़ करिए, देखिए इस लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, रेफरेंस बस पोटेंशियल जीरो पे है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V1 जीरो होगा। देखिए ये करंट ऐसे आ रही है, ऐसे करंट आ रही है, ये यूँ सर्कुलेट कर रही है, तो बस नंबर थ्री की जो वोल्टेज होगी वो है 2 वोल्ट। V1 की वोल्टेज मैंने आपको बता दिया, V1 है 0 वोल्ट पे, ठीक है ना, 0 वोल्ट पे है, और V3 है 2 वोल्ट पे, और इस लाइन में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, इसलिए बस नंबर थ्री की जो वोल्टेज है वो बस नंबर टू की वोल्टेज के बराबर होगी, यानी कि बस नंबर टू की वोल्टेज है 3 की वोल्टेज के बराबर, यानी 2। तो जो V1 होगा वो Z31 को इंडिकेट करेगा, V2 Z32 को, और V3 Z33 को इंडिकेट करेगा, यानी कि Z31 इज 0। इसको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, V1 V2 V3 है ना, V2 इंडिकेट करेगा Z32 को, और V3 इंडिकेट करेगा Z33 को। V1 इज 0, V2 इज 2 एंड V3 इज 2। सो वी कैन राइट द वैल्यूज ऑफ द थर्ड रो, दीज वैल्यूज आर 0 2 2 0 2 2। सो वी कैन सी द ऑप्शन, see this option numbers, option see match these options 100052, so 100052 and 022, so option C is correct, easily you can find it. Now see this other question, next question, question number 8। ये भी एक उसी प्रकार का question है, आपको बस impedance matrix find out करनी है। जरा question को हम ध्यान से पढ़ेंगे। A power system network consists of 3 elements 0 1 1 2 2 0 of per unit impedance 0.2, see this is 0.2 0.4 and this is 0.4। यानी कि पावर सिस्टम नेटवर्क में 3 एलिमेंट हैं 0 1 1 2 2 0, जिनके पर यूनिट इम्पिडेंस है 0.2 0.4 and 0.4 रिस्पेक्टिवली। तो हमें पता करना है बस इम्पिडेंस मैट्रिक्स क्या होगी। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, शॉर्टकट क्या है बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने का। तो पहले हम थोड़ा सा नेटवर्क्स को बना लेते हैं। देखिए 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट का क्या मतलब है, एक रेफरेंस बस और बस नंबर 1 के बीच में एक एलिमेंट है, बस नंबर 1 और बस नंबर 2 के बीच में ये एलिमेंट है, और बस नंबर 2 और रेफरेंस बस के बीच में ये तीसरा एलिमेंट है, ये वाला तीसरा एलिमेंट है। तो 0 1 के बीच में जो एलिमेंट है इसका पर यूनिट इम्पीडेंस है 0.2, 1 और 2 के बीच में जो एलिमेंट है इसका इम्पीडेंस है 0.4, 0 और 2 के बीच में जो एलिमेंट है इसका पर यूनिट इम्पीडेंस है 0.4। अब यही नेटवर्क है और इसकी हमें बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले हम अगर हमें बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स का साइज़ पता करना है, तो मैंने आपको बता दिया है साइज कैसे पता करते हैं। रेफरेंस बस को छोड़कर हमारे पास कितनी बसेस हैं पावर सिस्टम नेटवर्क में, 2 बसेस हैं, तो साइज ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 2x2। ये है फर्स्ट कॉलम इज करिस्पॉन्डिंग टू बस नंबर 1, सेकेंड कॉलम करिस्पॉन्डिंग टू बस नंबर 2, इसी प्रकार से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट सेकेंड रो। ये है Z11, Z12, Z21, Z22। तो यही चारों एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को अगर हमें फाइंड आउट करना है, यानी Z11 और Z212 को फाइंड आउट करना है, आई रिपीट, Z11 और Z12 को अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो बस नंबर 1 पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स भेजना होगा। 1 एम्पियर का करंट सोर्स बस नंबर 1 पे इंजेक्ट करने से हमें Z11, Z12 पता चल जाएगा।
Z11 बस नंबर 1 की वोल्टेज है और Z12 बस नंबर 2 की वोल्टेज है। तो हम थोड़ा सा नेटवर्क एनालिसिस लगाएंगे और बस नंबर 1 की वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे। देखिए बस नंबर 1 की वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, तो देखिए इस प्रकार से हम इस नेटवर्क को बना सकते हैं। ये 1 एम्पियर का है और नेट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस बिटवीन दी बस नंबर 0 और 1, नेट इम्पीडेंस 0 और 1 बस के बीच में कितना होगा, देखिए 0.4 दोनों सीरीज में हो गए और सीरीज में इनका इक्विवेलेंट हो गया 0.8, ये है यहाँ पे 0.2। इन दोनों का जो पैरेलल, ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट हो गया प्रोडक्ट बाय सम, तो ये हो गया। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.16 हो गया, यानी कि जो V1 वोल्टेज है वो है 0.16। अब ये V2 की वोल्टेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस नंबर 2 की वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, फिर से थोड़ा सा मेहनत करेंगे। 1 एम्पियर ये है 0.2 और ये है 0.4, ये है 0.4, ये है बस नंबर 1, ये है बस नंबर 2 और ये है रिफरेंस बस। तो अगर हम करंट डिवीज़न रूल लगाएं तो यहाँ हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं इस ब्रांच में। मान लो ये करंट है आई, दिस करंट इज़ आई, तो इस करंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। आई इक्वल्स टू यहाँ पे कितनी मेन करंट कितनी है जो कि डिवाइड होगी दोनों पैरेलल पाथ्स में, एक ये पैरेलल पाथ है दूसरा ये वाला, तो मेन करंट इनटू बगल वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों पैरेलल पाथ्स के रेजिस्टेंस का सम, दोनों रास्ते पे जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका सम। तो दो पैरेलल पाथ्स हैं हमारे पास, ये एक रास्ता है दूसरा ये रास्ता है, इस रास्ते पर कितना रेजिस्टेंस है 0.8, इस रास्ते पर कितना रेजिस्टेंस है 0.2, दोनों का सम कितना हो जाएगा 1, तो हमारे पास कितनी करंट मिल गई 0.2, मतलब 0.2 एम्पियर इस तरह से फ्लो कर रही है, 0.2 एम्पियर ऐसे फ्लो कर रही है। अगर ये रेफरेंस बस है तो यहाँ का पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट द पोटेंशियल राइजेज, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल राइजेज, सो द करंट विल बी, बिकॉज द करंट इज 0.2 and opposite to the direction of current potential rises, so the potential at point so the potential at bus number 2 will be current into this resistance 0.4, so it will be 0.08, so bus number 2 ki voltage ho gayi 0.08 aur bus number 1 ki voltage ho gayi 0.16। to hame do elements pata chal gaye, Z11 और Z12 हमें पता चल गया 0.08। अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है, थर्ड ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो हमें ज़रूरत नहीं है Z21 और Z22 को फाइंड आउट करने की, और ऑप्शन बी हम टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसका सोल्यूशन आगे भी करके बता देता हूँ। देखिए मुझे सेकेंड रो के एलिमेंट्स पता करने हैं, Z21 और Z22 को भी फाइंड आउट करना है, तो पता कर सकते हैं। देखिए बस नंबर 2 पे ये है बस नंबर 1, बस नंबर 2 रिफरेंस बस, ये है 0.2, 0.4, 0.4, 0.2, 0.4, 0.4, बस नंबर 2 पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स हम इंजेक्ट कर देते हैं। बस नंबर 2 पे हमने करंट सोर्स इंजेक्ट किया है तो हमें पता चलेगा Z21 और Z22, Z21 V1 के बराबर होगा, Z22 V2 के बराबर होगा, तो हम V1 और V2 फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए V1 को फाइंड आउट करना है तो हमें ये देखना होगा कि इस वाले रास्ते पर कितनी करंट आ रही है, इस वाले रास्ते पर मान लो आई एम्पियर करंट आ रही है, तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मेन करंट ऐसे वाले रास्ते पर करंट निकालनी है इनटू बगल वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इन दोनों रास्ते पर, पहला रास्ता दूसरा रास्ता, इन दोनों रास्ते पर जितना भी रेजिस्टेंस आ रहा है इनका सम, तो ये हो गया 1, सॉरी हाँ ठीक है
इस रास्ते पर कितना रेजिस्टेंस है 0.6, और ये है इस रास्ते पर रेजिस्टेंस है 0.4, तो 0.6 0.4 1 हो गया, ठीक है, करंट इज 0.4, यानी कि इस रास्ते पर कितनी करंट फ्लो कर रही है 0.4 एम्पियर, यानी 0.4 बोल देता हूँ मैं, 0.4। तो अगर ये रेफरेंस बस है, यहाँ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो बस नंबर 1 का कितना पोटेंशियल होगा, बस नंबर 1 का पोटेंशियल हो जाएगा 0.2 × 0.4 = 0.08। बस नंबर 2 का पोटेंशियल कितना होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए ऐसा नेटवर्क बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस रास्ते पर रेजिस्टेंस है 0.4, और ये जो रास्ता है ये वाला, इसका नेट रेजिस्टेंस है 0.6। इन दोनों का अगर हम पैरेलल निकालें, पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालें, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.6 × 0.4, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 0.24। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज डेवलप होगा, यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा 0.24 वोल्ट, यहाँ पे है 0 वोल्ट। तो बस नंबर यहाँ पे ये जो बस है ये बस नंबर 2 है, तो बस नंबर 2 पे जो वोल्टेज डेवलप होगा 0.24 डेवलप होगा। तो हमें पता चल गया V1 Z21 और Z22 की वैल्यूज, Z21 की वैल्यू है 0.08 और Z22 की वैल्यू है 0.24। ये है 0.08 और 0.24। आप आंसर मैच करा सकते हैं, ये हो गया 0.08 और ये हो गया 0.24। यू कैन सी, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स है, ये एक इस प्रकार की मैट्रिक्स है कि ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में यानी कि बात ये हो गई कि Z11, Z12, Z21, Z22, अगर आप Z12 जानते हैं तो Z21 भी आपको पता है ना, ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होती है भाई। यानी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ। जेड बस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, Z11 ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह से लिखे जाएंगे, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि जो Z12 है वो Z21 के बराबर होगा, यानी Z12 विल बी इक्वल टू Z21, Z13 Z31 के बराबर होगा। देखिए Z23 Z32 के बराबर होगा, यानी ये वाला 1331 के बराबर होगा, 1221 के बराबर होगा, 2332 के बराबर होगा, है ना। और यानी कि एक बार आपने 1-2 पता लगा लिया तो इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला Z13 आपने फाइंड आउट कर लिया, Z31 फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, Z23 फाइंड आउट कर लिया तो Z32 फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो Z12 है वही Z21 होगा। तो यहाँ पे जो हमने Z21 फाइंड आउट किया, इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं थी, केवल Z22 को फाइंड आउट करने की ज़रूरत थी, और ये हो गया 0.24।